एवरीवन, निसान ने अपनी न्यू मैग्नाइट को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये जो कार है ना, ये सिर्फ अब आपको राइट हैंड ड्राइव ही नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड ड्राइव में भी मिलेगी। खैर देखा जाए तो एक्सटीरियर और इंटीरियर्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, काफ़ी फीचर्स भी न्यू एड ऑन हैं। क्या कुछ है खास इस नई कॉम्पैक्ट एसयूवी में, आइए जानते हैं। तो न्यू मैग्नाइट के फ्रंट लुक को अगर हम देखें तो यहाँ आपको मिल जाते हैं LED हेडलैम्प्स, साथ ही साथ जो सबसे अट्रैक्टिव जो मुझे इस कार में पार्ट लगा वो है इसकी 3D बोल्डर ग्रिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव है। साथ ही साथ यहाँ आपको मिलता है क्रोम फिनिश, नीचे आपको मिल जाती है सिल्वर फिनिश और यहाँ आपको L शेप्ड में DRLs मिल जाते हैं। ये जो कलर है इस समय ये कार का है सनराइज कॉपर ऑरेंज कलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है। और यही सब कुछ था फ्रंट में, अब चलते हैं साइड में, देखते हैं क्या कुछ नया है इस कार में। अगर हम कार के साइड व्यू में आते हैं तो यहाँ आपको निसान मैग्नाइट की ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे जाएंगे व्हील्स में तो यहाँ पे आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है फॉर दैट 360 व्यू, और यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर आपको सिल्वर कलर्ड रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं। आप चलते हैं रेयर में और देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आए हैं रेयर में। अगर हम कार का रेयर व्यू देखें तो यहाँ पे ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। मेजर जो चेंज है वो है इसकी टेल लाइट, जो कि M शेप्ड टेल लाइट दी गई है, मैग्नाइट से M लिया गया है। और ये जो टेल लाइट है दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। रेयर में आपको 3 फिनिश मिलती हैं, कॉपर, ब्लैक और सिल्वर फिनिश, 3 टोन्स आपको मिलती हैं रेयर में। साथ ही साथ आपको 4 सेंसर्स भी मिलते हैं यहाँ पर इस कार में। अब बूट स्पेस देखते हैं इस कार का, इसमें आपको मिल जाता है 336 लीटर का बूट स्पेस। ये जो सीट्स हैं ये डाउन हो जाएंगी 60-40 और उसके बाद आपको मिल जाएगा टोटल 540 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं इंटीरियर में क्या कुछ बदलाव है इस गाड़ी में। तो अब जब हम न्यू मैग्नाइट के इंटीरियर में आते हैं ना, तो यहाँ जब आप इंटीरियर में एंटर करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आती है। अगर मैं सबसे पहले स्टेयरिंग की बात करूँ, जो स्टेयरिंग है वो लेदर फिनिश है और इस पूरी कार में आपको लेदर फिनिश ही मिल रही है। इसमें लेदर ट्रीटमेंट दिया गया है ऐसा निसान ने कहा है। ये जो स्टेयरिंग है ये काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है। यहाँ पे आपको इसके कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे स्टेयरिंग पे, काफी ज्यादा स्पोर्टी है। कलर्स की बात करूँ तो ड्यूल टोन कलर है इसमें, सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया है इस बार मैग्नाइट ने। 2 टोन्स हैं ब्लैक एंड जो कॉपर जो आपको बाहर कलर मिल रहा है उन्हीं कलर्स का यूज किया गया है अंदर भी। कार में आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है। TFT 7 इंचेस की स्क्रीन आपको सामने मिल जाती है ड्राइवर सीट पे। मैं इस वक्त बैठी हूँ लेफ्ट हैंड ड्राइव में, लेकिन लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव की फीचर्स सब कुछ बिल्कुल सेम है, बट आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव ऑब्वियसली इंडिया में नहीं मिलेगी, ये बाहर के लिए है। सीट्स की बात करूँ तो सीट्स जो है काफी ज्यादा प्रीमियम है, लेदर है, हेक्सागनल जो इनका डिजाइन है वो सीट्स में भी आपको देखने को मिल जाता है। प्रीमियम लेदर सीट्स हैं। आर्मरेस्ट में भी आपको लेदर दिख जाएगा, हैंड ब्रेक्स में भी और शिफ्टर्स में भी आपको लेदर हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे अगर हम बात करें तो स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, काफी बड़े अच्छे कप होल्डर्स हैं ये। और आर्मरेस्ट में भी आपको छोटी सी स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको 2 सनशेड्स विद मिरर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डिम लाइट RVM भी मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा सही है। स्टोरेज में अगर हम देखें साइड में आपको कप होल्डर्स और थोड़ा बहुत स्पेस अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आप ग्लव बॉक्स देखेंगे तो कूल ग्लव बॉक्स इस कार में मिलता है। अब चलते हैं बैक सीट पे और देखते हैं कि वहाँ का कंफर्ट कैसा है। अगर हम रियर सीट के कंफर्ट की बात करें तो सीट्स जो हैं वो लेदर सीट्स हैं और ये हीट रेजिस्टेंट सीट है जो निसान कहता है, और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। 3 लोग इस सीट पे आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आर्मरेस्ट में आपको 2 कप होल्डर्स, 1 मोबाइल फोन होल्डर भी मिल जाता है। तीनों जो हेडरेस्ट है ये तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर 3 लोग बैठ रहे हैं उनके कंफर्ट के लिए। यहाँ पे हम आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। जो एक मुझे ड्रॉबैक लगा वो ये कि यहाँ पे आपको कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है। साइड की अगर बात करूँ तो साइड में भी आपको कप होल्डर्स और अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। इस कार में आपको 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिलेंगे, हर वेरिएंट में आपको मिलेंगे 6 एयरबैग्स। साथ ही साथ सीट्स में आगे भी आपको यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है फॉर मैगजीन और पेपर वगैरह रखने के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाती है, जो कि रीडिंग वगैरह करते टाइम आप इस लाइट को यूज कर सकते हैं। अगर लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस भी काफी ज्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है, बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी हाइट है 5'4" और इसके हिसाब से लेग स्पेस काफी ज्यादा अच्छा है। सीट आगे भी हो सकती है तो लेग स्पेस ऑब्वियसली आपको ज्यादा मिल जाएगा। ऑल इन ऑल इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का लेग स्पेस काफी ज्यादा सही है। इस कार में आपको नई IKEA भी दी गई है, जिसकी मदद से आप 60 मीटर्स की दूरी से भी इसका इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। मैग्नाइट की इस नई फेसलिफ्ट में आपको इंजन ऑप्शंस वही पुराने मिलते हैं। 1 लीटर नेचुरली
फुली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो कि 71 HP की पावर 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं दूसरी ओर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 99 HP की पावर जनरेट करता है और 160 Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन विकल्प वही रहते हैं जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT और CVT भी मिल जाता है। तो ये न्यू मैग्नाइट आती है 3 डिफरेंट ट्रांसमिशन में, मैनुअल, ऑटोमेटिक और CVT। साथ ही साथ आपको 13 डिफरेंट कलर्स इसमें मिल जाते हैं। 13 कलर्स में से आप आराम से इस कार में चूज कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका प्राइस जो है वो पुरानी मैग्नाइट से नहीं बदला गया है। प्राइस वही है 5.99 लाख। ये एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है। 10,000 यूनिट जो है सोल्ड होने के बाद इसका प्राइस जो है नया प्राइस आएगा, लेकिन प्राइस चेंज नहीं हुआ है, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। तो ये नई मैग्नाइट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें।